अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टाइम सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, जिसे हम जनरली एआर मॉडल भी कहते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, टाइम सीरीज मॉडल्स में प्योरली रेंडम प्रोसेस को, रेंडम वॉक प्रोसेस या रेंडम वॉक मॉडल को एंड मूविंग एवरेज प्रोसेस या मूविंग एवरेज मॉडल को हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने टाइम सीरीज मॉडलिंग शुरू की हुई है, जिसमें हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि टाइम सीरीज मॉडल्स एक्चुअली आर द मॉडल्स विच आर टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द पास्ट ऑब्जर्वेशंस। ऑफ कोर्स एज वी नो दैट दिस इज द क्रक्स ऑफ द टाइम सीरीज डेटा, दैट इट हैज अ डिपेंडेंस स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो उस डिपेंडेंट स्ट्रक्चर से फायदा उठाते हुए हम टाइम सीरीज मॉडल बना रहे हैं, और ये जो मॉडल है ये पत्थर हम फोरकास्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। सो ये मॉडल्स मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। आपको मूविंग एवरेज मॉडल जो मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया था तो आपको याद होगा, तो उसपे हम डिस्कस ये करते थे कि जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है YT, यहाँ हम इसे XT से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो XT, सो वो जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं YT और XT टाइम सीरीज मॉडल को के लिए, वो एरर टर्म्स और उसकी पास्ट लैग वैल्यूज पर डिपेंड करता है ना मूविंग एवरेज मॉडल। सो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हम किस तरह से रिग्रेशन क्रिएट करते हैं कि जो YT है वो एरर टर्म की लैग वैल्यूज की बजाय अपनी ही लैग वैल्यूज पर रिग्रेस किया जाता है, राइट? मैंने आपको पहले भी बताया था मूविंग एवरेज मॉडल करवाते हुए भी कि ये लैग टर्म्स कितनी आएंगी किसी भी मॉडल में, ये हमने अभी नहीं, अभी चूंकि मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, तो जब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हम लैग टर्म्स कैसे फाइनल करते हैं कि किसी भी एक मॉडल के लिए कितनी लैग टर्म्स आनी चाहिए, राइट? सो अभी हम ये देख रहे हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन ये है, जिसमें हम जो phi1 yt-1 plus phi2 yt-2 up to so on phi p yt-p, यानी ऑटो रिग्रेसिव के लिए हम जनरली ऑर्डर यूज कर रहे हैं p ऑर्डर, और मूविंग एवरेज मॉडल के लिए हमने इसे q यूज किया था। उसके अलावा नोटेशनल डिफरेंस में यहाँ मैं phi1 phi2 यूज कर रहा हूँ, जबकि हमने मूविंग एवरेज में इसे theta1 theta2 यूज किया था, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस विद द मूविंग एवरेज मॉडल। सो फाइज यहाँ पर जो है phi i phi 1 phi 2 up to so on phi p, ये इसके पैरामीटर्स हैं जिसे हम एस्टिमेट करेंगे। ZT यहाँ पर एरर टर्म है, और ये ओवरऑल ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल है, जिसमें हम ओरिजिनल मॉडल को उसकी पास्ट या लैग वैल्यूज पर रिग्रेस करते हैं। या आप इस वक्त जो मॉडल देख रहे हैं ये ऑर्डर पी का है। अगर मैं ऑर्डर वन का ऑटो रिग्रेसिव मॉडल लिखूं तो वो ये होगा yt = phi1 yt-1 plus zt। अगर phi1 जो यहाँ पर है ये 1 हो जाए तो ये कौन सा मॉडल बनता है? रेंडम वॉक मॉडल। ओके, सो ये ऑर्डर वन का ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है। सबसे पहले हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्डर वन पे ही थोड़ा सा काम करेंगे, इसके मैथमेटिकल कुछ डेरिवेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, जिसे मैं आगे डेरिवेशंस में यूज करने वाला हूं। ये बैकवर्ड ऑपरेटर होता है जी। इसको अगर हम बी ऑफ वाई टी के साथ, यानी जो वाई टी हमारा वेरिएबल है उसके साथ इस तरह से बी, कैपिटल बी वाई टी लिखते हैं, तो इसका एक्चुअली मतलब है दैट इज yt-1, कि ये लैग टर्म है। ये bYt इज नॉट इज नथिंग बट द yt-1। Similarly, b²yt is the yt-2, यानी b की जो पावर है वो एक्चुअली इसका उतना ही लैग बन जाएगा yt का, यानी b3 yt होगा तो ये yt-3, b4 yt तो ये yt-4, b5 yt तो ये yt-5, उतना ही लैग होगा। Generally, bk yt is actually yt-k। So ये ऑपरेटर अगर आप कहीं देखें bYt देखें या b²yt, तो आप समझ जाएं कि ये उसकी लैग वैल्यू की बात हो रही है। सो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की तरफ हम आ रहे हैं, और सबसे पहले हम इसको मूविंग एवरेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह यह है कि हमने जिन लाइंस पर मैथमेटिकली मूविंग एवरेज मॉडल के मीन वेरिएंस और ऑटो को वेरिएंस देखे थे, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी
कि हम इसको उन्हीं लाइंस पर कर सकें। सो सबसे पहले मूविंग एवरेज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्डर वन ये लिखा हुआ है, वाई टी थीटा वाई टी माइनस वन प्लस जेड टी, प्लीज कीप दिस एज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्डर वन। ये लेफ्ट साइड पर आ गया तो वाई टी माइनस थीटा, नोटेशन से प्लीज आप कंफ्यूज ना होइएगा थीटा और फाई, लेकिन आपके माइंड में जो होना चाहिए वो ये कि अगर आप इसे रिग्रेस कर रहे हैं वाई टी माइनस वन पर तो ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, अगर रिग्रेस कर रहे हैं जेड टी माइनस वन पर तो ये मूविंग एवरेज मॉडल है, राइट। जो भी पैरामीटर नोटेशन आप यूज कर रहे हैं उसके साथ वो आपका पैरामीटर है, उसे आप एस्टिमेट करेंगे। सो जब ये लेफ्ट साइड पर ले आए तो वाई टी माइनस, और मैंने यहाँ पर बैकवर्ड ऑपरेटर यूज कर लिया, बी वाई टी इज इक्वल टू जेड टी, राइट। सो इसे हमने वाई टी को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, वन माइनस थीटा बी टी। और इसको हम फर्दर वाई टी को अगर हम एक साइड पर करना चाहें तो इस साइड पर हम करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं वन माइनस थीटा बी से, तो हमने इसको डिवाइड किया तो राइट साइड पर हमारे पास आया जेड टी ओवर वन माइनस थीटा बी टी, जो कि हम उसे पावर माइनस वन से भी लिख सकते हैं। सो आप अब नोटिस करें कि हमने वाई टी को जेड टी में एक्चुअली लिख दिया, अब लेफ्ट साइड पर आप राइट साइड पर इक्वेशन के आपको कहीं भी वाई टी नहीं नजर आ रहा, जेड टी है। सो एक्चुअली वी हैव बीन कन्वर्टेड इट इनटू द मूविंग एवरेज रिप्रेजेंटेशंस, यानी राइट साइड पर मूविंग एवरेज में सारी एरर टर्म्स होती हैं और लेफ्ट साइड पर वाई टी होता है, उस तरह की फॉर्म बन गई है। अब इस फॉर्म को हम यूज करेंगे फर्दर मीन एंड वेरियंसेस फाइंड आउट करने के लिए। सो इस फॉर्म को फर्दर भी थोड़ा सा हम एलेबोरेट करते हैं और एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। वन माइनस थीटा बी पावर माइनस वन इज एक्चुअली इज इक्वल टू, आप पता है कि इस सीरीज को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, वन प्लस थीटा बी प्लस थीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर दोनों तरफ माइनस माइनस का साइन होता है तो थ्रू आउट प्लस के साथ हम इस तरह से पावर्स बढ़ाते चले जाते हैं। सो वाई टी जेड टी, और यहाँ पर मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया, जेड टी को हमने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो इट बिकम्स वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जेड टी प्लस थीटा थीटा के साथ बी जेड टी प्लस थीटा स्क्वायर बी स्क्वायर जेड टी। जब आप बी खत्म कर देंगे तो आपको यहाँ पर बी जेड टी बन जाएगा जेड टी माइनस वन, यहाँ बी स्क्वायर जेड टी माइनस टू बन जाएगा जेड टी माइनस टू, ये ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया ना, ऑपरेटर खत्म कर दिया तो उसको फॉर्म में लिख दिया। नाउ वी कैन राइट इट, दिस समेशन कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म, आई इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी थीटा पावर आई जेड टी माइनस आई। आई जब जीरो पुट करेंगे तो पहली टर्म बन जाएगी, जब आई को वन पुट करेंगे तो दूसरी टर्म बन जाएगी, अप टू सो ऑन, सो इनफिनिटी इनफिनिटी सीरीज, आप इसको सम को आई वन टू जीरो टू इनफिनिटी लिख दिया। So we got this actually, yt is equal to I is equal to 0 to infinity theta power I zt minus I। ये हम यहाँ तक इसको एक जनरल फॉर्म बना दिए हमने, जो के हम रिप्रेजेंटेशन कह लेंगे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की इनटू द मूविंग एवरेज टर्म्स। सो इस फॉर्म को ही हम आगे यूज करने वाले हैं फर्दर मीन एंड वेरियंसेस को फाइंड आउट करने के लिए। मीन के लिए जाहिर है हमें पता है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते हैं, y is equal to y is equal to वही फॉर्म यूज किया, दोनों तरफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ली, ये थीटा पैरामीटर है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड समेशन इंटरचेंजेबल होते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू zt i minus 1 पर अप्लाई हुआ व्हिच इज एक्चुअली जीरो, वी नो दिस फ्रॉम द मूविंग एवरेज मॉडल, एक्सपेक्टेड zt जीरो होता है और वेरियंस ऑफ zt i minus t minus i सिग्मा स्क्वायर z होता है ना, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो जीरो पुट किया तो इसका मतलब जो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है उसका मीन भी जीरो होता है। वेरियंस अप्लाई किया जी हमने, वेरियंस अप्लाई किया दोनों तरफ, सीरीज ली, सीरीज के दोनों तरफ वेरियंसेस को हमने अप्लाई किया, ये स्क्वायर बन के आपको पता है कि जो कांस्टेंट वेरियंस की प्रॉपर्टी है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है, सो सम ऑफ दिस टर्म द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म विल बी आउटसाइड वेरियंस zt प्लस द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म सारी यहाँ पर इस तरह सी पी टी से लिख दी गई है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट टर्म सारी की सारी इसका आंसर जीरो होता है, हमने पहले हमें इस बात का पता है मूविंग एवरेज मॉडल में, ये बात हमने पढ़ी हुई है, तो ये टर्म खत्म हो गई, सो विल रिमेन विद दिस टर्म दैट इज थीटा पावर सम ऑफ थीटा पावर 2i वेरियंस ऑफ zi एंड वेरियंस zt माइनस i इज एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर z।
सिग्मा स्क्वायर जेड पुट कर दिया और इस टर्म को, इस समीशन वाली टर्म को हमने ओपन किया और ये टर्म हमारे सामने कुछ 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा 4 बन गई, जिस पर हम बड़ी आसानी से इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम का फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है a ओवर 1 माइनस r. a इज एक्चुअली द फर्स्ट टर्म व्हिच इज ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जो इसकी कॉमन रेशियो है. a ओवर 1 माइनस r जो कॉमन रेशियो है, तो इसको आप थीटा की पावर 4 को पिछली किसी भी एक टर्म को उससे पिछली टर्म से आप जब डिवाइड करते हैं ना तो वो रेशियो आ जाती है. सो थीटा पावर 4 डिवाइड बाय थीटा पावर 2, तो थीटा स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर थीटा स्क्वायर को उससे, तो तब भी तो ये कॉमन रेशियो आ जाएगी. सो ए फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज 1. तो इस फॉर्मूले में जब आप इसे पुट करेंगे ए 1 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी आउटसाइड है, सो दिस विल बिकम द वेरियंस ऑफ वाई T, which is the variance of autoregressive mode. So, अब हम लोग देख चुके हैं mean, हम लोग देख चुके हैं variance for the autoregressive model of order 1. अब हम auto को variance find out करने जा रहे हैं for the autoregressive model of order 1. इसके लिए हम सबसे पहले एक जनरल जो ऑटो को वेरियंस की हमारे पास फॉर्मूला है वो पहले लिख लेते हैं. सबसे पहले वो लिखा हुआ है जी, और ये फॉर्मूला जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, दैट इज रो के इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी माइनस के. ये ऑटो को वेरियंस है ऑर्डर के का. अगर आपको ऑटो को वेरियंस फाइंड आउट करना है ऑर्डर वन के लिए, तो फिर आप यहाँ k की जगह 1 पुट कर दें और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, लेकिन अभी हम इसको जनरली k ऑर्डर के लिए ही फाइंड आउट करेंगे. तो ये फार्मूला हो गया, इसको हमें पता है हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला को वेरियंस का फार्मूला, बड़ा जनरल फार्मूला जो हम पढ़ते हैं उसके थ्रू इसको ओपन कर लिया. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म माइनस सेपरेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो ये भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू yt को यानी मीन को 0 फाइंड आउट किया है. यहाँ 0 पुट किया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, सो विल रिमेन विद द फर्स्ट टर्म ओनली. सो यहाँ पर आपने इसको लिख लिया गैमा के एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई टी माइनस के. सो दिस इज द ऑटो कोवेरियंस. हम मूविंग ऑटो कोवेरियंस की यानी इस टर्म तक पहुंच गए ऑर्डर के के लिए. अब हमने वाई टी की वैल्यू पुट कर दी और वाई टी माइनस के को पुट कर दिया. वो जो आपने वाई टी सीरीज फाइंड आउट की थी पहले वो यहाँ यूज कर ली, और अगर टी की जगह टी माइनस के यूज कर देंगे तो दूसरी टर्म बन जाएगी. इनको मल्टीप्लाई किया तो जो टर्म्स हमारे पास आएंगी वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर टर्म पूरी की पूरी नजर आ रही है. सो स्टूडेंट्स, इस टर्म को फर्दर जो टर्म मैंने आपको पहले दिखाई है वो ये है. इस इक्वेशन तक हम आ चुके हैं. इस इक्वेशन से आप यहां पर, इस इक्वेशन से यहां पर आने के लिए, यानी जो इस पेज पर आपको थर्ड इक्वेशन नजर आ रही है उससे फोर्थ इक्वेशन पर आने के लिए आपको जरा सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंगल समीशन में हमने लिखना है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जे को पुट करेंगे आई माइनस के. जब आप जे को आई माइनस के पुट कर देंगे तो यहां पर भी जे की जगह जो जेड टी माइनस के माइनस जे है, जे की जगह आई माइनस के पुट कर देंगे तो आपके पास जेड टी माइनस आई ये वाली और ये टर्म भी जो दूसरा जेड टी माइनस के माइनस जे है ये भी बन जाएगी जेड टी माइनस आई. तो जेड टी माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये बना जेड टी माइनस आई का स्क्वायर. प्लीज कीप इन योर माइंड ये जेड टी माइनस आई है, ये के नहीं है, जेड टी माइनस आई है. सो वी रिमेन विद दिस टर्म एंड वी विल गेट दिस टर्म अल्टीमेटली, दैट इज जेड टी माइनस. Okay, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं. सो सम i इज इक्वल टू k टू इनफिनिटी zt माइनस k, ये हमने यहां zt i माइनस k एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ zt माइनस k स्क्वायर ये हमने पुट कर दिया. सो विल राइट इट सिग्मा स्क्वायर z हियर, क्योंकि ये वेरियंस बन गया ना zt i माइनस k, ये वेरियंस बन गया ना zt का जो कि सिग्मा स्क्वायर z होता है. और हम सिग्मा स्क्वायर जेड को हमने पहले लिख लिया और इस टर्म को बाद में, इस समीशन को ओपन किया अगेन. ये हमारे पास एक सीरीज बन गई जिसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने पहले भी लगाया.
सो गैमा के इज इक्वल टू ए ओवर वन माइनस आर, कॉमन रेशियो ले लें, उसमें डिवाइड कर दें, आपने किया, ये फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको ऑर्डर जीरो की ऑटो कोवेरियंस चाहिए तो आप यहाँ पर जीरो पुट कर दें, के की जगह उसका आ जाएगा जो यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया। अगर वन चाहिए तो वन का पुट कर दें, टू चाहिए तो टू का पुट कर दें। सो ये स्टूडेंट ऑटो कोवेरियंस हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का, और अब हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्डर वन का, और अब हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज रो के ओवर रो नॉट। सो इस स्लाइड पे ये रो के जो गैमा के हमने फाइंड आउट किया है, ये गामा नॉट हमने फाइंड आउट किया। सो गैमा के ओवर गैमा नॉट इज द फॉर्मूला ऑफ रो के। गैमा के का फॉर्मूला हमने न्यूमिरेटर में पुट किया और डिनोमिनेटर में हमने गैमा नॉट को सिंप्लीफाई किया, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑटो को रिलेशन फंक्शन आ गया ऑफ ऑर्डर के, ऑटो को रिलेशन फंक्शन आ गया फॉर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के लिए, ऑर्डर वन के लिए। सो इस तरह से आप इन लाइंस को फॉलो करते हुए ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्डर वन के लिए मीन वेरियंस और ऑटो को वेरियंस और ऑटो को रिलेशन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग फर्दर क्या करेंगे, आप लोग खुद से इसे देखेंगे, अब इसे मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। ये आपके पास ऑर्डर पी का ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, इसे सिंपलीफाई किया गया है और पहले ये एक इक्वेशन बनाई गई है। इस इक्वेशन को यूज करके ऑर्डर पी के लिए मीन वेरियंस और फिर इसका ऑटो को वेरियंस और ऑटो को के को वन के लिए भी और के ऑर्डर के लिए भी, फिर ऑटो कोवेरियंस फंक्शन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तक फाइंड आउट किया गया है। ये काम, ये सारे जो आपको मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है और अल्टीमेटली ये फंक्शन को फाइंड आउट करना है। थैंक यू वेरी मच।